बरेली में मीरगंज पुलिस ने बुजुर्ग दंपति की हत्या का किया खुलासा। हत्या आरोपी पुत्र को किया गिरफ्तार। संपत्ति विवाद को लेकर की गई थी हत्या। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण हादसा। डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलटी। 28 लोग गंभीर रूप से घायल। अयोध्या में कोरोना संक्रमण की वजह से दीपोत्सव में नहीं शामिल होंगे बाहरी लोग। पहचान पत्र दिखाने के बाद सिर्फ स्थानीय लोग को ही मिलेगा प्रवेश। बांदा में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग। पूरा घर जलकर हुआ राख। एक बालक सहित दो लोग झुलसे। आगरा में सर्राफा व्यापारी से बाइक सवार बदमाशों ने नकदी एवं ज्वेलरी का बैग लूटने का किया प्रयास। दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। हरदोई में आबकारी विभाग ने चलाया अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी का अभियान। 50 लीटर कच्ची शराब, लहन और दो भट्टियां हुई बरामद। हरदोई में नशे के लिए बिकता है टिंचर। पुलिस आबकारी ने पकड़ी 2400 शीशी टिंचर। पुलिस ने दो युवकों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में पकड़ी गई तमंचा फैक्ट्री। एक महिला समेत चार लोग गिरफ्तार। दर्जन भर बने और अधबने तमंचे बरामद। एनजीटी के आदेश के बाद दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सख्त। पटाखे बेचने और छोड़ने पर पाबंदी। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में बाइक सवार दो युवकों ने किसान से ठगे 50,000 रुपए। पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। गाजियाबाद में पटाखे नष्ट करने के दौरान पटाखे छुपाते नजर आए नगर पालिका कर्मचारी। शाहजहांपुर में एसपी ने गांजा के रैकेट का किया भंडाफोड़। 11 तस्कर किए गिरफ्तार। 8 क्विंटल गांजा और भांग की बरामद। फरुखाबाद में झोलाछाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से किशोर की हुई मौत। डॉक्टर पर कार्रवाई पर अड़े मृतक के परिजन। कासगंज में वरिष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी के समर्थन में उतरा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन। कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को भेजा मांग पत्र। कासगंज में पुलिस व एसओजी टीम ने लॉटरी के नाम पर फोन कर ठगी करने वालों का किया खुलासा। एक शातिर अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मथुरा में किसी बात को लेकर हुई कहासुनी में एक युवक को गोली मारकर किया घायल। पुलिस मौके पर पहुंच के छानबीन में जुटी। सीतापुर में त्योहार को लेकर पुलिस सतर्क। पुलिस अधीक्षक ने अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध चलाया अभियान। कौशाम्बी में कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल को प्रबंध तंत्र ने 25 करोड़ के गमन के आरोप में किया निलंबित। बलरामपुर में श्री साईनाथ का 8वां स्थापना दिवस। पूजा अर्चना के साथ संपन्न हुआ कार्यक्रम। लखीमपुर खीरी में तेंदुए ने 11 साल के मासूम को बनाया अपना शिकार। मासूम की मौके पर ही मौत। चंदौली में चलते हुए ट्रक में लगी भीषण आग। टायर फटने से निकली चिंगारी से लगी आग। मुजफ्फरनगर में फेसबुक आईडी पर दलित एवं मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश करने वाले युवक पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज।